क्वेश्चन करें, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर आप अपना क्वेश्चन कीजिए। ठीक है सर, मेरा नाम कैसी लाई है। बेसिकली मैंने ना लास्ट ईयर मई में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था एक कंसल्टेंट के थ्रू। मुझे पता ही नहीं था स्टार्ट में। बेसिकली ऐसे रैंडमली मेरा माइंड बना कि जी मैंने पहले मेरा यूके का माइंड था, फिर एक आधी पोस्ट है मेरे सामने फेसबुक पर और मैंने ऑस्ट्रिया का माइंड बना दिया क्योंकि चीप पड़ रहा था उस टाइम। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये प्रोसेस इतना टाइम टेकिंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर मैंने मई में स्टार्ट किया था, मेरी वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट जो थी वो मई की थी और मुझे जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिली थी वो मिली थी दिसंबर में। एक तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टेंस था, मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है क्योंकि 8-9 महीने मेरा ख्याल है इस प्रोसेस में लग गए, जो कि बिल्कुल ही एक मेरे ख्याल में मैं अकेला ही ऐसा पर्सन हूँगा जिसके साथ ये हुआ था। जी, अच्छा। उसके बाद फाइनली मुझे 22 दिसंबर को JKU की तरफ से एडमिशन लेटर मिल गया हुआ था। मैं बेसिकली बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ तो ठीक है बैचलर्स में मिला था केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, और फर्दर उस दिन के बाद से मैंने अपने लिए अकोमोडेशन और RP अपॉइंटमेंट का उसको शेड्यूल करने के लिए स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस। अनलकी रहा हूँ मैं इस चक्कर में कि अकोमोडेशन तो मुझे अब तक नहीं मिली लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट मुझे लास्ट लास्ट मंथ फिर भी किसी ना किसी तरह उनको मेल करके और पोर्टल पे चेक कर करके ले ही ली थी, और जो कि मेरी नेक्स्ट मंथ है 14th को। ठीक लेकिन है। अब जो कि मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है अकोमोडेशन का। जितने भी स्टूडेंट डॉर्म्स हैं लिंज में, इवन के जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं होती है, एक जगह मैंने 5 यूरोस पे की है, एक जगह पता नहीं 30 यूरोस थे, इस तरह करके 2-3 जगहों में मैंने वो फी भी पे की है लेकिन मुझे फिर भी इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो जो कि मेरी पहली क्यूरी है वो ये है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि मुझे किसी तरह या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मुझे जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए। मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसको और लेट ना करूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट ईयर मई से मेरा स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, ये मई ख़त्म हो गया है, 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है और अभी मेरा जो PCC है वो लीगलाइज भी नहीं है। मुझे उसको दोबारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लीगलाइज करवाना पड़ेगा। तो क्या मैं सितंबर तक पहुँच सकता हूँ ऑस्ट्रिया, पहला तो दूसरी बात तो ये होगी। और तीसरा, आप ये मुझे रिकमेंड करते हैं कि मैं अगेन अप्लाई करूँ किसी और फील्ड के लिए, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि लिंस में अगर जाता हूं तो इतनी जो समझ गया। प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ बैठ के चल, थैंक यू। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, फर्दर क्वेश्चंस भी मैं आपके तकरीबन समझ गया हूँ। आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। सबसे जो मेन चीज़ है हमारे पास, कि आप रेजिडेंस परमिट फाइल कर सकते हैं विदाउट हाउस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपको विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर उनको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना है। आप इस केस में क्या कर सकते हैं, आपको अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आप जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उनसे किसी से सब लीज़ ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इवन ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट वहाँ पे रह रहा है, आप उसका किराया फुली बेयर करेंगे वो, और आप उसके साथ रूम 2 या 3 महीने के लिए शेयर कर लेंगे। उससे ये होगा कि आपको आपकी RP मिल जाएगी और बाकी आप जो है वो वहाँ जाके ऑफिस में जाके वहाँ बेहतर तरीके से आप रूम ढूंढ सकते हैं। और सिर्फ लिंज सिटी के अंदर आप रूम ना ढूंढें, आप उससे थोड़ा सा आगे पीछे वेल्स है या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, आपको थोड़ा सा सर्च करके मिल जाएगी। या सिटी से 40 किलोमीटर का सर्कल जब आप नेट पे सर्च करते हैं, मेरी एक वीडियो है, अगर आपने मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ हो तो अकोमोडेशंस के रिलेटेड, उसमें मैंने तकरीबन 10 या 11 लिंक्स दिए हुए हैं और थोड़ा सा गाइड भी किया हुआ कि किस तरह सिटी से बाहर जाके आप ना अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। तो आप सिटी से लाइक 30-35 किलोमीटर बाहर जाके भी आप ढूंढें तो होपफुली कि आपको उस केस में
आपकी अकोमोडेशन का एटलीस्ट इश्यू सॉल्व हो जाए। जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई और बंदा जो आप किसी के ही कॉन्टेक्ट करें जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, आप वो अगर 350 यूरोस दे रहा है, अगर आप उससे बात करेंगे मुझे 3 महीने के लिए आप अपने साथ रख लो, आपका रेंट मैं पे करता हूँ या 50% रेंट मैं पे करता हूँ, तो इस केस में भी अगर वो आपको ऑफिशियल सब लीज दे देगा, मतलब वो अपने मेन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देगा कि ये बंदा मेरे साथ 3 महीने के लिए रह रहा है, ठीक है, तो उससे भी आपकी जो वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा स्टडी का। थर्ड, आपने पीसीसी का पॉइंट लगाया था, उस पीसीसी आपको पता है जब आप आरपी फाइल कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो 14 मई को, तो आप उसके साथ अपना एक्चुअल पीसी लेके जाइएगा और वो रीवेरिफिकेशन में दे दीजिएगा, और पुराना जो है एक्सपायर हो गया उसकी कॉपी भी आप एप्लीकेशन के प्रोसेस का हिस्सा रखिएगा, ठीक है, तो जो वो प्रोसेस करते रहेंगे, अगर वो मांगेंगे तब तक आपका न्यू रीवेरिफिकेशन डन हो जाएगी और आपको वो कन्फर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट पे आपने पूछा है जी सेप्टेम्बर में आप ऑस्ट्रिया आ सकते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्लान तो सारा कुछ अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अकोमोडेशन का इशू है, लेकिन अकोमोडेशन का इशू भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया आप किसी स्टूडेंट से सब लीज ले लें, लिम्स सिटी से बाहर जो एरियाज हैं वहाँ पे आप ले लें, ठीक है, आप उनमें, और जो जर्मन वेबसाइट्स हैं सिर्फ स्टूडेंट अकोमोडेशन ना ढूंढें आप, सिंपल वहाँ पे रेंट अ रूम जिसको वीगे गिजुक्त की वेबसाइट, बल्कि आप वीडियोस देखें, मेरी एक वीडियो है उसको आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन 1 A to Z तकरीबन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उन भी वो हैं यहाँ जो नॉर्मली यूज़ होती हैं वेबसाइट्स, वहाँ से आपको इंशाल्लाह वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और सितंबर में ऑस्ट्रिया का भी हो गया। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है कि आपने किसी और सिटी जाएं या कोई और फील्ड चूज़ करें, उसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके FSC के नंबर्स कितने हैं, FA किया हो या FSC की, अगर FSC है तो कितने नंबर हैं आपके? जी, मैंने बेसिकली FSC प्री मेडिकल की थी 2021 में, और मेरे 85% मार्क्स हैं, और मेरे आर्ट्स का जो बैंड है वो भी 6.5 है। तो आपके पास पार्शल चांसेस हैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के, मतलब IIT और कंप्यूटर साइंस वियना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साल्जबर्ग भी आप अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन AI और इस तरह के कोर्सेज में, तो आप ज़रूर उस रिस्क को कंसिडर करें, आप एप्लीकेशन फेंकें, मतलब आप इस टाइम में जब आप बाकी प्रोसेस का वेट कर रहे हैं तो आपको चाहिए था आप बाकी एडमिशन्स के लिए भी ट्राई करते रहे, सिर्फ लिम्स के एडमिशन मिलने के बाद आपने जो टाइम स्पेंड किया है अभी भी आपके पास टाइम है, आप बाकी पैरेलल में एडमिशन्स अप्लाई करें और सिटीज़ में भी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छे नंबर हैं आपके तो आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं और भी एडमिशन मिल जाएगा और फिर आपके पास बेहतर ऑप्शन होगा। क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि जी आप अपनी RP फाइल करें विद या विदाउट रूम कॉन्ट्रैक्ट, और पैरेलल में आप उस रेंज को बड़ा करें, सिर्फ सिटी के अंदर नहीं सिटी से आउटसाइड भी देखें, और वो लिंक्स स्पेशली ओपन करके वो वेबसाइट्स के ऊपर जा जा के आप सर्च करें, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा या आपको ईमेल आईडी मिलेगी, तो आप उनको ईमेल करें व्हाट्सएप करें, प्राइवेट बंदे होते हैं तो वो आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मुझे कि आपको रूम मिल जाएगा। लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो देखी हुई है या नहीं? जी, मैंने काफ़ी सारे YouTube चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं स्टडी टू ऑस्ट्रिया के रिलेटेड, लेकिन मुझे ये आपकी ये मीटिंग का लिंक एक ग्रुप में आया था, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको वो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अच्छा लेकिन चलिए, आप अगर उसी मैंने उसी उसी जी लिंक जी में आप उसी लिंक के नीचे आप पूछ लीजिएगा कि विकास भाई का लिंक यूट्यूब का दे दें, तो उसमें अकोमोडेशन की जो है ना उसमें मैंने तकरीबन सारे लिंक कवर किए हुए हैं, अकोमोडेशन के रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगी सर्च में अगर आप लिखिएगा, तो वहाँ से आपको ये डिटेल में सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी, ठीक है, फिर भी अगर ना चलें हुआ जी, तो बहुत शुक्रिया आप आपका। मुझे उसी उसी चैनल के ऊपर ईमेल आईडी है तो उससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिर। चलें जी, थैंक यू। ओके लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप बुरा ना माने तो। जी, अच्छा, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे ना ऑलरेडी दो और जगह से ना ऑफर लेटर्स के वो हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लियोबन ने आज ही मुझे मेल किया था, मैंने काफ़ी देर पहले वहाँ अप्लाई किया था कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दे, हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, और एक मुझे आया था यूनिवर्सिटी ऑफ अपर ऑस्ट्रिया जो कि है FH अपर ऑस्ट्रिया, वहाँ से भी मुझे एडमिशन लेटर आया हुआ था। उन्होंने कहा था बेसिकली कि आप अगर हमें अप्लाई करते हैं, यस और नो का कुछ था, तो
तो इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया था उसका, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, लेकिन आपको उसके लिए 1 साल का वो स्टूडेंट ईयर टाइप कुछ था कि पहले वो आप करेंगे 1 साल और फिर आपकी डिग्री स्टार्ट होगी। तो मैं जी बस आपसे एक जनरल आइडिया ये लेना चाह रहा हूँ, जो कि समझ। मेरा बेसिकली लॉन्ग टर्म का प्लान भी यही है कि हमारा ना पाकिस्तान अच्छा में मैन्युफैक्चरिंग मैं यूनिट है समझ, लेदर का। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली अपने प्लान के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ना पाकिस्तान में ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेदर गार्मेंट्स का। तो मैं अपनी डिग्री के साथ ना परस्यू करना चाहूँगा अपने बिजनेस को, तो क्या आप इस चीज़ रिकमेंड करते हैं? मैं वहाँ पे नहीं, बेसिकली जॉब के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का आप वहाँ जो मेरा पे, जी, आप वहाँ पे मार्केट्स वगैरह विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे कस्टमर से बात कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते। आपके पास बिजनेस वीज़ा नहीं है, आपके पास जो है स्टडी का वीज़ा है, ठीक है। आप किसी और बंदे के जी साथ जी जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में आपको वो जी स्टडी के बाद या तो आप एज अ इंडिपेंडेंट वर्कर उसमें रजिस्टर करेंगे, और उसमें भी मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओके उस चीज़ को ज़हन में जी रखिएगा। और अगर आप पकड़े गए तो आप यूट्यूब पे चेक कीजिएगा वीडियो। रिसेंटली एक बंदी को, की स्टूडेंट थी, किचन में खाना बना के बेचने के ऊपर 20,000 यूरो का फाइन हुआ है। तो यू शुड बी नहीं केयरफुल। नहीं मैं ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा। मैंने हाँ, जैसे तो आपको बताया ना, मैं मैं आपसे वो एक वो ले रहा हूँ। जी, वो मैं आपको बता दिया कि आप बिजनेस नहीं कर सकते वहाँ पे, लेकिन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप आउटसोर्स या बंदे, कोई बंदे से मिल के आप उससे कॉन्टैक्ट अपना, वो पाकिस्तान का जो भी है या अपने अबू का, भाई का जो भी, आप उनसे रेफरेंस, वो चीज़ आप करवा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे खुद बिजनेस करना है तो आपको किसी बंदे के साथ मतलब अपने आप को ज्वाइंट रजिस्टर ले करवाना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर या वो स्लीपिंग पार्टनर व्हाट्स एवर जो भी आपको उसका नाम दे, तो इस डोमेन में आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और बहुत लिमिटेड ऑप्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, अभी थैंक काफ़ी बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, यू। तो आई वुड से थैंक यू जी, जी बहुत जी अच्छा लगा आपको जी। जी अल्लाह हाफिज़।